भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्य व आदर्श। हमारा संविधान एक संक्षिप्त उद्देशिका से शुरू होता है। संक्षिप्त होने पर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के तीसरे अधिवेशन में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो अंततः 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। 3 जनवरी 1977 को इसका संशोधन किया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विचार जोड़े गए। संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस उद्देशिका के महत्व पर टिप्पणी करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, प्रस्तावना होते हुए भी यह प्रस्तावना से बहुत अधिक है। यह एक घोषणा पत्र है, यह एक दृढ़ निश्चय है, यह एक प्रतिज्ञा और दायित्व है और हमें विश्वास है कि यह एक व्रत है। यह प्रस्ताव कुछ शब्दों में विश्व को बताना चाहता है कि हमने इतने दिनों किस बात की अभिलाषा रखी, हमारा स्वप्न क्या था, यानी कि इन शब्दों में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य, हमारे देश के लोग आगे क्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तथा हम किस तरह का राष्ट्र और राज्य स्थापित करना चाहते हैं, यह सब इसमें कहा गया है। मूल्य एवं आदर्श। उद्देशिका के समस्त शब्द भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों और जनता की वे अभिलाषाएं हैं जो भारतीय पुनर्जागरण, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, जाति प्रथा उन्मूलन आंदोलन, मजदूरों व किसानों के आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज की सरकार सहित भारत के विभिन्न सामाजिक व राजनैतिक आंदोलनों की भावनाएं थी। इसमें रूसी क्रांति से आर्थिक समानता व न्याय, फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तथा अमेरिकी क्रांति से राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता व व्यक्तित्व स्वतंत्रता के साथ मानव गरिमा का भाव लिया गया है। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह वाक्यांश वी द पीपल ऑफ इंडिया समस्त भारत के स्वतंत्र नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। हमें यह संविधान किसी राजा, सरकार या विदेशी शासक ने नहीं दिया है, वरन समस्त भारत की जनता ने मिलकर अपने आप के लिए बनाया है। अतः जनता ही इस देश की सर्वोच्च शक्ति है। यह वाक्य 3 अर्थ स्पष्ट करता है। पहला, संविधान के द्वारा हम भारत के लोगों के लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। दूसरा, संविधान के रचनाकार जनता और जनता के प्रतिनिधि हैं और यह संविधान जनता की इच्छा का परिणाम है। तीसरा, लोकतंत्र और संविधान की अंतिम संप्रभुत्व शक्ति भारत की जनता में निहित है। प्रभुत्व संपन्न, यह किसी बाह्य शक्ति जैसे कोई दूसरा देश से स्वतंत्र व सर्वोच्च शक्ति है। देश के अंदर भी संप्रभुत्व युक्त राज्य के निर्णय सर्वोपरि होते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि उसके पीछे देश के सभी निवासियों की सहमति है। विदेश नीति हो या आंतरिक नीति, जनता का राज्य स्वनियंत्रित एवं स्वतंत्र है। उनके ऊपर अन्य कोई शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। यह कथन महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद हो रहा था।
समाजवादी। यह अवधारणा 1977 में जोड़ी गई थी। इसका आशय है कि भारत अपने समस्त नागरिकों के बीच सभी प्रकार की सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा और सभी संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाएगा, न कि किसी के निजी हित में।